दोस्तों मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ते जा रही है कि हर ब्रांड जाना दोस्तों मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर हर ब्रांड चाहता है कि मेरी टीवी बिके और उसके लिए वो जाए वो नए नए फीचर्स दे दे प्राइसिंग दे दे। तो यहाँ पर आई फैलकॉन ने एक केस 31 की सीरीज लॉन्च की है। तो आज के वीडियो में बताता हूँ क्या है उसके स्पेसिफिकेशन, क्या है फीचर, और इसी के साथ ही साथ आपको जो कन्फ्यूजन है व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज का उसको टीवी को कंपेयर करते हैं, देखते हैं आपको क्या रिजल्ट निकलता है, कौन सी टीवी अच्छी हुई, क्या अच्छा फीचर है, क्या बुरा फीचर है, क्या है माइनस पॉइंट, क्या है प्लस पॉइंट, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इसी के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी कि आई फैलकॉन ने एक मस्त टीवी लॉन्च की जबरदस्त K31 सीरीज की। और आई फैलकॉन के ब्रांड के बारे में बता दूं कि ये जो TCL ब्रांड है ना, इसका ही भाई भाई है, मतलब आई फैलकॉन और TCL दोनों भाई भाई है। तो टेंशन लेने का नहीं कि अरे TCL भी वही दे रहा है, आई फैलकॉन भी वही दे रहा है, तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, दोनों भाई भाई है। तो यहाँ पे फीचर्स बहुत अच्छे रखे और प्राइसिंग भी ना बहुत जबरदस्त रखी, मतलब 55 इंच वाली जो टीवी आपको 36,000 की मिल रही है। और अभी मैं इसको ध्यान में रखे अगर कंपेयर करूँ व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज से, तो यहाँ पर 2,000-4,000 रुपए का फर्क है। और यहाँ पे सेल में अगर आप देखोगे फ्लिपकार्ट की सेल जो भी चल रही है इंडिपेंडेंस डे वाली, उसमें सिर्फ 1,000 रुपए का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देख लेते कि 1,000 रुपए आपको देना चाहिए वीयू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज के लिए, या फिर आपको 1,000 रुपए कम में ही आई फैलकॉन ले लेनी चाहिए। तो फिर तो शुरुआत करते हैं, ऐसे कौन कौन से फीचर है जो आपको दोनों ही टीवी में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों दो के दोनों ही टीवी है, मतलब आई फैलकॉन और व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज का जो रेजोल्यूशन है सेम है, दोनों के दोनों टीवी है 4K टीवी है, 4K अल्ट्रा HD। और इसी के साथ साथ जो पोर्ट्स दिए हैं HDMI पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट दो के दोनों ही टीवी में दिए गए। इसी के साथ साथ ब्लूटूथ देखने मिल जाएगा, वॉइस अनेबल रिमोट है, और वॉइस अनेबल रिमोट के पीछे बहुत बड़ा राज है, तो वीडियो में आगे देखो कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और वॉइस अनेबल रिमोट के पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो एक मेजर डिफरेंस कराएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे पॉइंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करिए क्या क्या डिफरेंसेस आपको दोनों ही टीवी में देखने मिल रहे हैं। तो अगला पॉइंट होगा कि यहाँ पर गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाएगा, 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा, और दोनों ही ब्रांड में आपको 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच वाली टीवी देखने मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको A+ ग्रेड का पैनल मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही टीवी में पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो पैनल यूज़ किया है वो बहुत ज़बरदस्त है। बात करूँ यहाँ पे टीवी के बिल्ड डिज़ाइन की, तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी दोनों की दोनों टीवी एकदम प्लास्टिक से बनी हुई है, एकदम प्लास्टिक से, मेटल दूर दूर तक देखने नहीं मिलेगा। और जो बेजल है लगभग सेम है, मतलब ज़्यादा कोई पतला नहीं, ज़्यादा कोई मोटा नहीं, 19-20 का फर्क है, उतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, तो मैं इसको सिमिलर ही कंसिडर करूँगा यहाँ पर। बस ये है कि यहाँ पर व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में आपको एक टाइटेनियम ग्रे वाला फिनिशिंग वाला एक मॉडल मिलता है जो एक मेटल जैसा दिखता है, लेकिन वो मेटल नहीं है। तो भैया लोग आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर वो मेटल दे रहा है आपको, वो भी प्लास्टिक ही दे रहा है। तो प्री बिल्ड क्वालिटी दोनों की दोनों प्लास्टिक से बनी हुई है। और अगला पॉइंट होगा कि यहाँ पर आपको 2019 में दो की दोनों टीवी लॉन्च हुई हैं, और दो की दोनों टीवी में आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलेगा, जिसके थ्रू आपका जो मोबाइल का कंटेंट है वो आप इजीली प्ले कर सकते हो आपके टीवी में। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है दो की दोनों टीवियों में। और इसी के साथ ही साथ आपको HDR10 का सपोर्ट भी मिलता है दो की दोनों टीवी में, तो फिर वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी देखने मिलेगी, पैनल भी अच्छा यूज किया है, जो LED टाइप है इस दोनों की दोनों ही टीवी में डायरेक्ट LED यूज किया है। तो भैया सब कुछ तो सेम है, मतलब पोर्ट भी सेम है, पैनल भी सेम है, साइज भी सेम है, खाली प्राइस का अलग 1,000 रुपए आया। मैं अगर सेल के बाद भी लेता तो 3,000-4,000 रुपए मैं व्यू प्रीमियम के लिए एक्स्ट्रा क्यों दूंगा भैया, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम बताते हैं, डिफरेंस ऐसा है कि यहाँ पर जो एंड्रॉइड यूज हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम वो बड़ा जबरदस्त है और लेटेस्ट वाला है। जो आई फैलकॉन ने यूज किया हुआ है यहाँ पर 9 एंड्रॉइड 9 पाई वाला जो वर्जन है वो यूज किया है लेटेस्ट एकदम। और जो हमारा व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज उसमें आपको एंड्रॉइड 8 देखने मिलेगा ओरियो वाला। तो भैया ये मेजर डिफरेंस है पहला। दूसरा जो मेजर डिफरेंस मैं फाइंड आउट करूंगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वॉइस अनेबल रिमोट का, तो वॉइस अनेबल रिमोट के पीछे रीजन ऐसा है कि जो आई फैलकॉन वाली टीवी है वो आपको हैंड फ्री, बोलते ना मुंह से आवाज करो बस काम करना चालू, एकदम टीवी ढिंचाक चलेगी। तो उसका मतलब ये होता है कि AI फीचर यूज किया है। तो AI फीचर का मतलब ये होता है कि यहां पर आपके आवाज दो चैनल चेंज, आवाज दो वॉल्यूम कम, आवाज दो वॉल्यूम ज्यादा। तो ये सब आई फैलकॉन की टीवी में मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक माइनस पॉइंट है। ये माइनस पॉइंट क्या है थोड़ा आगे मैं आपको बताता हूं। तो फिर अभी ये समझ लीजिए कि यहां पर मेजर डिफरेंस होगा कि AI फीचर आपको आई फैलकॉन की K31 सीरीज में देखने मिल जाएगा,
और वीयू में आपको ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। तो वीयू में एआई टेक्नोलॉजी यूज नहीं, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगले डिफरेंस के बारे में बात करते हो तो अगला डिफरेंस ये है कि भैया यहाँ पर आपको जो आई फैल्कन वाले हैं 20 वॉट का स्पीकर आउटपुट दे रहे हैं और जो दूसरे वाले हैं वीयू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज वाले वहां पे आपको 24 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर चार जो साउंड आउटपुट है वो वैल्यू बढ़ गई है यहाँ पर वीयू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में। तो यहाँ पर आपको भाई वो 1000 रुपये या 2000-5000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे, तो यहाँ पर एक चीज आपको दे रहा है कि आपको स्पीकर थोड़ा अच्छा वाला दे रहा है। हालांकि जो दोनों की टीवी की क्वालिटी साउंड क्वालिटी है टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है, मतलब डॉल्बी डिजिटल वाला टेक्नोलॉजी यूज किया, डीटीएस कुछ तो नाम है वो वाला यूज किया है, लेकिन आउटपुट में होता साउंड आउटपुट में यहाँ पे बीसी दे रहा है कौन आपको आई फैल्कन वाला, और जो प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज वाला दे रहा है वो चार ज्यादा दे रहा है, मतलब 24 साउंड आउटपुट दे रहा है। और अगला डिफरेंस होगा कि ब्राइटनेस नीट्स को लेके कि भैया आई फैल्कन वाले ने बड़ा कम किया है, मतलब 270 नीट्स का ब्राइटनेस दिया हुआ है, इतना कम क्यों दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिए होते। यहाँ पर आपको जो व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज वाला है वो आपको 450 का ब्राइटनेस नेट लेवल दे रहा है, तो वहां पर भैया अगर 2000-5000 रुपए का आपसे अच्छा ले अगर ज्यादा ले रहा है तो फिर इसी चीज के ले रहा है। तो यहाँ पर आई फैल्कन वाले माइनस पॉइंट में जाते हैं और आपका जो व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज वाला है वो प्लस पॉइंट में जा रहा है, जिसकी वजह से वो पैसे आपको चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल भी मिल गई आपको ज्यादा, साउंड आउटपुट भी ज्यादा दे रहा है, तो व्यू वाला अगर आपको चार्ज कर रहा है तो इस चीज के आपको पैसे एक्स्ट्रा ले रहा है। और भैया और जो अगला पॉइंट है वो रैम को लेके, तो रैम में क्या होता है कि अभी यहाँ पर जो आई फैल्कन वाले हैं आपने आप उन्होंने आपको ना 2 GB का रैम दिया हुआ है और वीयू वाले मार खा गए यहाँ पर। वीयू वाले मार क्यों खा गए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ना 1.75 GB का रैम दिया हुआ है। तो यहाँ पर भाई अगर आई फैल्कन वाले आपसे पैसा भी कम ले रहे हो रैम भी ज़्यादा दे रहे हो, तो यहाँ पे आई फैल्कन वाले ऊपर गए और वीयू वाले नीचे गए, लेकिन कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 0.25 का डिफरेंस है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दोनों ही टीवी में आपको 16 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिलेगा। तो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज भाई कुछ कोई ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, इंटरनल स्टोरेज एकदम हिसाब से दिया है 16 GB, दबा के डाउनलोड करो जो करना है वो करो। और दोस्तों शुरुआत में मैं बोलना भूल गया कि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो भी सेम है, क्वाड कोर प्रोसेसर दोनों ही टीवी में आपको मिल जाएगा, मतलब आई फैल्कन में भी मिल जाएगा व्यू में भी मिल जाएगा, लेकिन जो GPU है वो थोड़ा अलग है। माली 470 यूज किया किसमें, आई फैल्कन में, और जो आपका जो व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज है वहां पे माली 450 यूज किया है। तो यहाँ पर सस्ता वाला यूज किया इसने व्यू वाले ने, पैसा क्यों चीज का ले रहे हो भाई, थोड़ा आप भी डालो 470। और अगला डिफरेंस होगा मेरे पास यहाँ पर कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो को लेके, तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो आई फैल्कन की टीवी है उसमें बहुत कम दिया, मतलब 4500:1 का, मतलब 4500:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया। स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में, तो वहाँ पर आपको 1 CR मतलब 1 crore:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर हाईलाइट होगा या मेजर प्लस पॉइंट होगा व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज का। तो यहाँ पे भाई अगर वो पैसे थोड़े ज़्यादा ले रहा है तो ये चीज़ के ले रहा है, ठीक है, ध्यान रखो। और दोस्तों हम सभी का चहेता नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम, आपको कौन सी टीवी मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आई फैल्कन की टीवी में देखने मिलेगा, लेकिन आप व्यू की टीवी में भी चला सकते हो, लेकिन आपको साइड लोड करना पड़ेगा। तो साइड लोड का मतलब है एपी को लाओ, इंस्टॉल करो और काम चलाओ, लेकिन वैसा फ्लेक्सिबिलिटी और वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो आपको प्री इंस्टॉल देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आई फैल्कन की टीवी में नेटफ्लिक्स तो इंस्टॉल आ ही रहा है, आप अमेजॉन प्राइम भी डाल सकते हो और प्रॉपरली चलेगा। और आपको व्यू की टीवी में आपको नेटफ्लिक्स भी नहीं मिल रहा है, अमेजॉन प्राइम भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है वीयू वाली, तो वीयू की ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है, मतलब आपको उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन माइनस पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो आप साइड लोड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम ज्यादा हो जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होगा, क्योंकि ये हम सभी का चहेता और प्यारा चैनल होगा अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स। और दोस्तों अगला पॉइंट होगा कि भाई माइक्रो डिमिंग फीचर को लेके, तो माइक्रो डिमिंग फीचर क्या करता है कि आपका जो व्हाइट लेवल है और ब्लैक लेवल, जो आपको कोई सीन देख रहे हो मस्त वाला, कोई डार्क सीन देख रहे हो या व्हाइट सीन देख रहे हो, तो उसमें आपको अच्छे व्हाइट और अच्छे ब्लैक दिखाता है। और ये काम कौन करता है, माइक्रो डिमिंग। तो माइक्रो डिमिंग आपको किसमें मिल रहा है, आई फैल्कन की टीवी में मिल रहा है, और आपको जो वीओ वाली टीवी है उसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन
उसमें भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी, आपको पिक्चर इंजन जो है बहुत अच्छा वाला यूज़ किया हुआ है, तो आपको पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी, उसमें आपको कलर काफ़ी विविड देखने मिलेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छे व्यू एंगल देंगे, क्योंकि उसमें पिक्चर क्वालिटी के लिए अच्छा उसमें पिक्चर क्वालिटी के लिए जो इंजन यूज़ किया आपको स्क्रीन पर नाम दिख जाएगा, तो वो पिक्चर इंजन यूज़ किया है व्यू की टीवी में, तो यहाँ पर आपको पिक्चर क्वालिटी में दोनों ही टीवी में बहुत अच्छी मिलने वाली, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साउंड आउटपुट का भी बता दिया क्या डिफरेंस है, साउंड टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, तो मतलब टीवी में वीडियो और ऑडियो तो बहुत अच्छे हैं, प्राइस भी खाली कम ज्यादा रखी हुई। तो और दोस्तों एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जो आपको शायद कोई यूट्यूबर नहीं बताता रहेगा, तो मैं बता देता हूं कि आपको जो वाई फैलकॉन की जो टीवी है उसका जो वजन है, मुझे मालूम है क्या मोबाइल की तरह उसको लेके सर पे नहीं घूमेगा या हाथ में लेके नहीं देखोगे, लेकिन उसका जो वजन है 12 किलो के आसपास है विद स्टैंड, अगर स्टैंड लगा दो तो 12 किलो का हो जाता है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं जो वीवू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज है उसका 14 किलो हो जाता है, और आपको एग्जैक्ट अगर टीवी का वेट चाहिए तो बस उसमें 500 ग्राम निकाल दो आपको उसका एग्जैक्ट वेट टीवी का मिल जाएगा। तो ये सारे डिफरेंसेस थे। तो यहाँ पर एक मेजर चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आई फैलकॉन आपको जो AI टेक्नोलॉजी का फीचर दे रहा, तो यहाँ पर आपको वो टीवी में बिल्ट इन नहीं मिलेगा, आपको सेपरेटली एक डोंगल परचेस करना होगा जिसके थ्रू आप वॉइस के थ्रू टीवी को कंट्रोल कर सकते हो, चैनल चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, और जितने भी घर में स्मार्ट डिवाइसेस है मतलब टीवी हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, अगर वो स्मार्ट वाले डिवाइसेस हैं आपके पास जो मार्केट में एकदम नया है, अगर वो आपके पास है तो वो आप उस डोंगल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। तो वो एक फीचर और अच्छी टेक्नोलॉजी आपको आई फैलकॉन में मिल जाएगी, लेकिन वो आपको सेपरेट परचेस करना होगा। तो ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को अच्छे से बता देना होगा, ये आपको सेपरेटली परचेस करना होगा, टीवी के साथ आपको नहीं मिलने वाला। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए जब भी आप टीवी लोगे। तो आई फैलकॉन बहुत अच्छी टीवी है, बहुत मस्त फीचर्स है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपने डिसीजन आपका ले लिया होगा कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए, कौन सा माइनस पॉइंट है, कौन सा प्लस पॉइंट है, कौन सी टीवी अच्छी दे रही है, कौन सी बुरी है, सब कुछ आपको मैंने क्लेरिफाई कर दिया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी मुझे पता है कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा ही या कुछ तो रहेगा, तो फिर भी कमेंट सेक्शन ओपन है, लिखो कमेंट जो मन में सब लिख दो, सवाल पूछो, सबकी रिप्लाई देते रहूंगा, और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, और हैप्पी गाइड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए आपको एक भी रुपए नहीं देने हैं, कंप्लीटली फ्री है, और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड, बाय बाय। दोस्तों उम्मीद ही कर सकता हूँ, डब्बा भेजा है हमको बैंगलोर वाले ने, तो वीडियो आएगी जल्दी, जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो मस्त मस्त बनाते हैं हम भाई, ये गिरा क्या नहीं संभाल।